आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जावा का रेडिएटर फैन। तो दोस्तों आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जावा का रेडिएटर फैन कैसे काम करता है और इसके पीछे कौन से सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। जो नए ऑनर्स हैं जावा के, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था जावा के रेडिएटर फैन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये कभी चलता था कभी नहीं चलता था। तो स्टार्टिंग में तो कुछ दिन ये चला ही नहीं, तो मैं ये सारी बातों को वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्लियर करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जावा लिक्विड कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो इंजन कूलिंग का दो तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, पहला है एयर कूल्ड और दूसरा है लिक्विड कूल्ड। तो एयर कूल्ड में क्या होता है, जब आपका बाइक चलता है रोड पे, तो सामने से जो एयर आता है वो इंजन पे हिट होके एयर से ही इंजन को ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन हाई सीसीज के बाइक में क्या देखा गया दोस्तों, कि लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल होने लगा है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी में एक लिक्विड जिसे हम कूलेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, तो उस लिक्विड का इस्तेमाल करके जावा के इंजन को ठंडा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो रेडिएटर फैन हमारा चलता है वो कूलेंट को ठंडा करने के लिए चलता है। तो आपका ये बात समझ में नहीं है तो मैं पहले क्लियर करता हूँ। तो जब कूलेंट इंजन पे फ्लो होता है, कब फ्लो होता है, जब इंजन स्ट्रोक होता है और गर्म हो जाता है, तो उस पर कूलेंट ठंडा करने के लिए भेजा जाता है। तो कूलेंट उसे ठंडा करते करते खुद भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कूलेंट को भी ठंडा करने के लिए फिर रेडिएटर फैन सीन में आता है और रेडिएटर फैन चलता है। तो यहाँ पे कूलेंट का टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हमारे बाइक में एक हीट सेंसर दिया गया है। तो मैं वीडियो में वो भी आपको दिखा देने वाला हूँ कि वो हीट सेंसर कहाँ पे प्लेस है। कि जिस सेंसर के बारे में मैंने आपको बताया, वो एक सर्टन डिग्री से एवव ही जब कूलेंट का टेम्परेचर जाता है तभी हमारे रेडिएटर फैन को स्विच ऑन करता है। तो सपोज़ आपका बाइक का टेम्परेचर 94 डिग्री से एवव चला गया और वहाँ पर थ्रेशोल्ड 94 ही सेट किया गया है। ये डिफ़ॉल्ट बाइक कंपनी हर बाइक्स के लिए अलग अलग रहता है, तो हमारे जावा के लिए मे बी 94 या 95 होगा। तो जब भी उस टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा कूलेंट का टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली आपका रेडिएटर फैन शुरू हो जाएगा, और जब भी आपका उस टेम्परेचर से नीचे चला जाएगा कूलेंट का टेम्परेचर, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ रेडिएटर फैन में कोई जादू नहीं है, ये एक सेंसर के इशारे पर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। मैं बाइक में आपको सेंसर दिखाता हूँ और थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए बाइक की ओर चल सकते हैं दोस्तों। मैं अपने बाइक के लेफ्ट साइड में हूँ, ओरिजिनल जावा 1929, इसी के जस्ट ऊपर हमारा हीट सेंसर रहता है। यहाँ पे ये सेंसर डायरेक्ट कूलेंट से कनेक्टेड रहता है, मतलब टच में रहता है। मैंने एक बार खुलवाया था तो मैं देख सकता था कि इसका जो पॉइंट है वो ग्रीन कूलेंट को छूता है अंदर से और उसका टेम्परेचर मेज़र करते रहता है। तो उसी से डिसाइड होता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे जो रेडिएटर फैन है उसे चालू किया जाता है। तो चलिए बाइक के राइट साइड में जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी मैं अपने जावा 42 के राइट साइड में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा जावा 42 के इंजन का पार्ट है और यहाँ पर हमारा रेडिएटर लगा हुआ है। तो ये जावा के आगे से बहुत ही अच्छा लुक देता है जावा को। तो चलिए रेडिएटर का फंक्शनिंग को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपको एक मैक्स का साइन दिख रहा है, वहाँ पे हमारा कूलेंट रहता है। मैक्सिमम और मिनिमम साइन दिया गया है, कूलेंट लेवल हमेशा उसके बीच में होना चाहिए, तभी आपका ये कूलिंग सिस्टम सही से काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, इंजन जब स्ट्रोक होता है तो यहाँ से जो कूलेंट है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वहाँ से कूलेंट इंजन पे फ्लो होना शुरू होता है और इंजन का टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर के बराबर लाना चाहता है, ताकि इंजन ठंडा हो जाए। तो इसके दौरान क्या होता है कि कूलेंट भी गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए ठंडा कूलेंट बहुत ही आवश्यक है। तो फिर कूलेंट फ्लो होते हुए यहाँ पे रेडिएटर के टॉप में चला जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है डेंजर नेवर ओपन हॉट। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर में गर्म कूलेंट रहता है। तो ये रेडिएटर एक्चुअली करता क्या है, तो ऊपर से नीचे की ओर कूलेंट को फ्लो करता है, समझे? अंदर में नीचे अंदर में छोटे छोटे पाइप्स हैं। तो उस फ्लो के दौरान क्या होता है कि जो ये रेडिएटर फैन है वो चलता है और बीच में ही उस कूलेंट को ठंडा करता है।
और वो ठंडा कूलेंट नीचे जाता है और फिर से इंजन में उसका फ्लो शुरू हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार ये रेडिएटर फैन काम करता है। वीडियो में आगे मैं आपको रेडिएटर फैन चलते हुए और रेडिएटर फैन बंद होने का भी वीडियो जोड़ दूंगा, आप उसे देखें और देख लें कि आपका रेडिएटर फैन ऐसे ही चलता होगा। तो जैसे कि आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये जावा का रेडिएटर फैन अभी चल रहा है। तो अभी मेरा गाड़ी ऑफ है और ये रेडिएटर फैन तब तक चलेगा जब तक, देखिए ये रेडिएटर फैन अभी बंद हो गया, खुद ब खुद आवाज़ आना बंद हो गया क्योंकि इंजन लगभग एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे चला गया कूलेंट का टेम्परेचर, और रेडिएटर फैन खुद ब खुद बंद हो गया।